झारखंड समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश जारी है। सुबह से दोपहर तक जहां तेज धूप रहता है, वहीं दोपहर के बाद आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। शाम होते ही बारिश होने लगती है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 51 मिलीमीटर बारिश जमशेदपुर में हुई। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक वर्तमान में एक चक्रवाती घेरा उत्तर कर्नाटक के ऊपर कम ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा एक द्रोणिका दक्षिण केरल तथा और दूसरी पूर्व पश्चिम द्रोणिका पश्चिम बंगाल तक प्रभावी है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा आ रही है, जिससे मौसम में परिवर्तन है। बारिश और बादल के कारण झारखंड में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य का अधिकतम पारा 37.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का दर्ज किया गया है। इसके अलावा रांची का अधिकतम पारा 35.4 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर का अधिकतम पारा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादलों के बीच जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। उस सिस्टम से निकलने वाली पट्टी को द्रोणिका कहते हैं। इसमें अचानक ही मौसम में बदलाव हो जाता है और तेज हवा के साथ बारिश होती है। जमशेदपुर के बाद सबसे ज्यादा बारिश बोकारो में हुई है। यहाँ 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं चाईबासा में 15.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि डाल्टनगंज में 0.4 मिलीमीटर बारिश हुई है।